सुई में धागा डाल के लेना है। देखिए यहाँ नॉट लगाना है हमें, इसमें हमें हमारा जो रेड कलर का वूल है वो डाल के देना है ऐसे, इस तरह से। तो आसानी से मोती जाते हैं। एक एक मोती डालना है हमें पहले, ये लाल कलर का मोती। फिर से मोती डालना है, देखिए ऐसे डालने हैं हमें। ऐसे हमें चार बार डालने हैं। पहले एक मोती डालना है, फिर ये लाल कलर का, चार बार डालने हैं। चार बार हो गए मेरे डाल के, इसे निकाल देनी है ऐसे। ये वाला कॉर्नर छोड़ना है, ये वाला, इसका आगे वाला लेना है। यहाँ हमें धागा लगा के लेना है। आगे के 18 गैप्स में मुझे दो डबल क्रोशेट डालने हैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह गैप्स में मुझे दो दो डबल क्रोशेट डालने हैं। 18 बार डाल के हो गए मेरे दो दो डबल क्रोशेट। अब मुझे ये लूप बड़ा करना है और यहाँ से बाहर लेना है और यहाँ नॉट लगानी है। के एक मोती ये मल्टी कलर रेड कलर का जो है, क्रोशियो को ऐसे टर्न करके लेना है यहाँ पे, ऐसे जो थ्रेड है उसको राउंड लगाना है और नीचे के एक और दो गैप छोड़ने हैं। जो तीसरा वाला गैप है उसमें डालना है, इसके ऊपर थ्रेड लेना है। के सेम 18 गैप में 18 डबल क्रोशे डालने हैं, दो दो डबल क्रोशे डालने हैं हमें। आगे 18 गैप में मुझे दो दो डबल क्रोशे डालने हैं 18 बार। देखिए फिर से 18 बार मैंने हमें डबल क्रोशे डाल के ये लूप बड़ा करना है और यहाँ से मुझे सारे मोती यहाँ लेने हैं और एक नॉट लगाना है। एक मोती और एक कलर मोती और ये आगे लेने हैं। नीचे के दो गैप छोड़ देने हैं, एक और दो, ये क्रोशे के ऊपर फिर से टर्न करना है और यहाँ लेना है। ये फिक्स हो गए मेरे अभी। इसी तरह से हमें आगे वाले मोती भी हैं वो फिक्स करते जाने हैं। लाइन कंप्लीट हो गई मेरी। यहाँ अब मुझे धागा तोड़ना है, इनका भी ये छोड़ देना है नीचे का, यहाँ धागा कट करके लेना है। दो मोती डालने हैं अभी, एक लाल कलर का मोती, ये
दो डालने हैं। ऐसे हमें चार बार डालने हैं, हर बार अभी हमें ऐसे ही डालने हैं। दो मोती डालने हैं, एक ये कलर मोती, फिर से दो मोती, दूसरी लाइन के लिए दो मोती, एक कलर मोती और फिर से दो मोती डालने हैं। इसे चार बार डालने हैं, एक बार हमें एक बार हमें सेम वैसे ही डालने हैं। दूसरी बार, तीसरी बार, ये चार 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 बार हमें डालने हैं। तीसरी लाइन के लिए हमें तीन मोती डालने हैं, एक कलर मोती डालना है, फिर से तीन मोती डालने हैं। चौथी लाइन के लिए चार मोती डालने हैं, एक कलर का ये मोती डालना है, क्रिस्टल ये डालना है, फिर चार मोती डालने हैं। पांचवी लाइन में पांच मोती, फिर एक कलर का मोती डालना है ये, और पांच मोती। ऐसे हमें 10 लाइन बनानी है। ये जो अभी मोती वाली लाइन है हमारी, इसका ये वाला छोड़ना है, ये जो गैप है वहाँ मैंने धागा लगा लिया है। मुझे दो डबल क्रोशेट डालने हैं ये गैप में। ऐसे अभी मेरे हर गैप में दो दो डबल क्रोशेट बनेंगे। सारे मोती निकल के हमें नॉट लगानी है यहाँ। अभी दो मोती, एक ये रेड कलर का मोती, इतने लेने हैं हमें और उसी तरह से फिक्स करने हैं जैसे पहले हमने फिक्स किए थे, उसी तरह से हमें फिक्स करने हैं। ध्यान देना है क्रोशे के ऊपर, ये डबल क्रोशे बनाना है। ये भी दूसरी लाइन हो गई। फिर तीसरी लाइन के लिए मुझे यहाँ तीन मोती डालने हैं, एक कलर मोती ये और तीन फिर से मोती। ऐसे चार बार आएंगे हमारे, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार और ये चौथी बार। ऐसे हमें 10 लाइंस बनानी है, 8-9 लाइंस मेरी हो गई अभी बना के। लास्ट वाली लाइन है मेरी अभी, इसी तरह हमें ये लास्ट कंप्लीट करना है। 80 बार हमें अभी इसके ऊपर धागा लगाना है, 80 टाइम्स हमें ऐसे राउंड करते जाना है इसके ऊपर।
दूसरी तरफ भी हमें ऐसे 80 बार धागा लगा के लेना है। ये इसको ऐसे डालना है एक दूसरे के बीच में। जो ये गैप है उससे हमें ब्लेड काट लेना है। एक साइड का मैंने काट लिया है, एक साइड का वैसे रखा है। अभी मैं यहाँ से धागा डालूंगी और अब दूसरी तरफ का काट लूंगी। दोनों तरफ से काट के हुए हैं, अब इसको नॉट लगानी है हमें। दो तीन नॉट लगा के लेनी है। अभी हमें निकालना है। इस तरह से हमारे पम्पम हो गए तैयार। इसे अभी हमें शेप देना है थोड़ा सा, जो बाहर जो निकले हैं उनको थोड़ा सा काट के हमें इसे शेप देना है। इस तरह से हमें पूरे तोरण में लटकन लगा के लेना है। ये धागा हमें काटना नहीं है, यहीं से यहाँ छुपा देना है इसे आगे। देखिए इस तरह से